बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए तीसरा चरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार सैफई के यादव परिवार के, जो पांच रणबांकुरे चुनावी संग्राम में पराक्रम दिखाने के लिए उतरे हैं, उनमें से तीन की परीक्षा तीसरे चरण में ही होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाई बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? अब इनका सांप नहीं बचा है, केवल बीन बचा है जो बजाते फिर रहे हैं। देश मोदी जी चलाएंगे और तुम लोग 5-10 साल और फतिया पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो जगह ठीक है। उत्तर प्रदेश के रण में एक तरफ सीएम योगी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। एक तरफ विकास, रोजगार और परिवारवाद का मुद्दा है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, संविधान बचाओ और महंगाई। और इन्हीं मुद्दों के साथ यूपी के सबसे बड़े योद्धा अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं तीसरे चरण के लिए। सीएम योगी एक दिन में 3-3 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी एक दिन में 2-2 चुनावी जनसभा कर रहे हैं। सीएम योगी आगरा, बरेली और बदायूं में हुंकार भरते नजर आए तो अखिलेश यादव बरेली, संभल में जनसभा करते नजर आए। और इन चुनावी जनसभा के दौरान चुनावी मंच से वार पलटवार भी खूब हुए। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण की नीति, घातक नीति के कारण हुए दंगे, निर्दोष लोगों की मौतें और व्यापारियों को हुए नुकसान के दोषी कौन? भ्रष्टाचार की भीषण समस्या के कारण भारत का विकास जो बाधित हुआ, इसका दोषी कौन? पलायन और बेरोजगारी की समस्या के कारण 2014 के पहले जिन नौजवानों ने प्लान किया था उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था, इसका दोषी कौन है? ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? वहीं देश के बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार सैफई के यादव परिवार के, जो पांच रणबांकुर चुनावी संग्राम में पराक्रम दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं, उनमें से तीन की परीक्षा तीसरे चरण में ही होगी। मैनपुरी में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए डिंपल यादव मैदान में डटी हैं। बदायूं लोकसभा सीट भी यादव परिवार की साख का इम्तिहान लेगी और इसी पारिवारिक प्रत्याशी पर खुद अमित शाह ने भी निशाना साधा है। अखिलेश जी को कहना चाहता हूँ कि भैया आप जातिवाद कर रहे हो, ये तो मैं समझ गया, मगर आपको जाति में भी आपका परिवार ही दिखाई पड़ता है। भाइयों बहनों, खुद अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव उनके भतीजे लड़ रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव परिवार से लड़ रहे हैं, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। अब कोई 25 साल से बड़ा नहीं है, वरना यूपी की 85 की 85 सीटों पर ये परिवार वालों को ही लड़ा। समाजवादी पार्टी भले ही जाति धर्म का मुद्दा उठा रही हो, लेकिन बीजेपी अब परिवारवाद के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तीसरे चरण में सैफई परिवार की सीटों पर भी चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।